व्हाट्स अप गाइस, आज हम देखेंगे पाकिस्तान का डॉलर और भारत का चंद्रयान 3 एक साथ पहुंचे चांद पर, क्राइंग फिजा खान। तो भाई देखते हैं, मतलब पाकिस्तान के डॉलर जो है भाई, हाँ। उसका कोई वो नहीं है कि इस रेंज में रहेगा, वो तो रोज उड़ता रहता है इधर उधर। और भाई लेकिन रियली प्राउड है हमें, चंद्रयान 3 पहुंच चुका है चांद पे और अब रिसर्च कर रहा है। क्या है ऐसे नहीं, चांद पे अपुन। यस, जय हिंद जय भारत जरूर लिख देना कमेंट में, और ये वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो को कर दें लाइक। 1 2 3 गो। अच्छा, हमने तो ये मनाजिर टीवी स्क्रीन पर देखे हैं, मैं कहती हूँ सलाम है इन लोगों पर, सलाम है। आज ये साबित हो गया भारत पे रहने वालों का हौसला भी पहाड़ की तरह बुलंद होता है। कितना बड़ा दिन होगा आज उनके लिए। यो यो किट्टू भाई, अब बात कर लेते हैं इस जमहूरी मुल्क पाकिस्तान की। हाँ। ने पाकिस्तानी तारीख में पहली बार आज ट्रिपल सेंचुरी कर ली है। आज पूरा विश्व भारत की शक्ति का जय जयकार कर रहा है। हैरान हूँ दिल को रून के पीटू में जिगर को, शायद ज्यादा जो खतरनाक बात है वो यहाँ पर ये है, पूरी दुनिया में चौथा भारत ऐसा मुल्क बना है जो चंद्रमा की धरती पे लैंड किया है, वो भी सक्सेसफुली। कि अब भी रुपए के खिलाफ ये धुआंदार इनिंग खत्म होने के कोई आसार नहीं है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि डॉलर की जो तीनों सेंचुरी हैं पिछले 9 बरस में हुई, और पहली अगस्त 2010-2014, दूसरी जून 2022 और तीसरी आज हुई है। और दुनिया का पहला ऐसा मुल्क बना है जो चंद्रमा की धरती पे दक्षिण में लैंड किया, और इस सब के लिए हर एक हिंदुस्तानी को मेरे दिल से तहे दिल से बहुत बहुत बधाई, और हमारे साइंटिस्टों को कोटि कोटि प्रणाम। अब इससे जाहिर ही होता है कि तारीख में महंगे डॉलर से आने वाली महंगाई का सबसे ज्यादा जो बोझ है वो दूसरी और तीसरी नसल बर्दाश्त कर रही है। अब आते हैं, 5-6 दिन में वीडियो नहीं आ रहे थे, आप लोगों ने मेरे को बहुत प्यारे प्यारे मैसेज किए, बहुत प्यारी प्यारी गालियां भी दी, और आपकी प्यारी प्यारी गालियां सुन के मुझे बहुत हंसी आती थी, लेकिन मैं मजबूर था, मैं फंसा हुआ था, और मैं मेरी मजबूरी बताऊंगा आपको आखिरी में। अगर भारत का चंद्रयान चंद्रमा की धरती पर लैंड कर जाए और पाकिस्तानियों को मिर्ची नहीं लगे, उनको तड़फ ना मचे, ये कभी पुराना हो ही नहीं सकता। पाकिस्तान में अभी दो तरीके के बयान चल रहे हैं। हाँ। पहले वाले तो वो लोग हैं जो ये कहते हैं ये फेक वीडियो है, फर्जी वीडियो है। खबर सुनी होगी चंद्रयान 3 के हवाले से कि वो साउथ पोल पे कामयाबी पे पहुंच चुका है, मून पे कामयाबी से पहुंच चुका है। देखें, ये सब एक सोशल मीडिया की खबर है, आपने कोई देखा तो नहीं है ना रियल में। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार, सच में यार क्या था ये, क्या बोलेगा साले। और भारत दुनिया की आंखों में धूल झोंक रहा है, मैं यानी कि चिढ़ रहे हैं भारत से, जल रहे हैं। अरे आप अपना काम करो ना भाई। और ये कह रहे हैं कि भारत अब चांद पे चला गया, चांद से हम पे हमला करेगा, पीओके के अंदर घुस जाएगा। जब चांद पे जा सकता है भारत, तो पीओके में भी आ सकता है। अच्छा बात। और दूसरे वो लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि जो दिल से तो जल रहे हैं, लेकिन सामने से भारत को कांग्रेचुलेशन और बधाइयां दे रहे हैं, और कुछ ही परसेंटेज होंगे जो दिल से हिंदुस्तान की तारीफ कर रहे हैं। आज सुबह से पूरी कौम एक इम्तिहान में मुब्तला है, हर टीवी स्क्रीन पर एक ही मंजर है, इंडिया चांद पर लैंड कर गया है। इसरो अल्लाह से जिंदगी की उम्मीद लगाए बैठे हैं। फिजा तो पाकिस्तान से काफी रिएक्शन आया है, मिले जुले रिएक्शन आए हैं, आप उन रिएक्शन को एंजॉय कीजिए। बिजली के झटकों की तरफ आपको भाई मिलेगा, आपको सीधा आखिरी में। आपका नाम? मेरा नाम साद है। क्या करते हैं साद भाई? मैं कॉल सेंटर में जॉब करता हूँ। कॉल सेंटर में जॉब करते हैं। खबर सुनी होगी चंद्रयान 3 के हवाले से कि वो साउथ पोल पे कामयाबी पे पहुंच चुका है, मून पे कामयाबी से पहुंच चुका है। देखें, ये सब एक सोशल मीडिया की खबर है, आपने कोई देखा तो नहीं है ना रियल में। एक रियलिस्टिक खबर नहीं है ये, सर लाइव दिखाया गया है। सर लाइव तो कुछ भी आप जो है उसको दिखा सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, ठीक हो गया। आपको इतना बड़ा ग्राफिक डिजाइनर बैठा दुनिया में, ठीक है, अब पाकिस्तानी हैकर्स हैं, ठीक है। आपका कहने का मतलब ये है कि वो नहीं पहुंचे ये ग्राफिक डिजाइनिंग के जरिए? अल्लाह नोज दैट। भाई, और मैं आजाद कश्मीर से ताल्लुक रखता हूँ, और इसके साथ साथ मुंह भी मीठा करा रहे हैं, तो आप क्या मुंह मीठा करेंगे इंडिया की इस कामयाबी पे? मुंह मीठा करने से पहले मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ इंडिया को। चल झूठा। लेकिन मैं समझता हूँ इंडिया ने कोई इतना खास कारनामा अंजाम दिया नहीं है। वो क्यों? वो इसलिए कि मैं आपको बताता चलूँ कि उनका स्पेस गया बेशक
वो मून पे गया है, उन्होंने अपनी साइंस जो है वो जदीद टेक्नोलॉजी ऊपर की है, मगर उन्होंने जो काम हमने किए उन्होंने नहीं किए। हमने क्या किए जो उन्होंने नहीं किया? हमने कुमी तराना बनाए हैं। अच्छा, हमने ये उन्होंने नहीं किया। हाँ। और वो तराने सुन के ना यकीन जाने मैं रात को 2-2 बजे तक रोता हूँ। अच्छा, वो इसलिए रोता हूँ कि ये महाज हमारे लोगों ने किया है, पाकिस्तान के लोगों ने। जहाज पे जाना कोई बड़ी बात नहीं है, वो क्या होगा, ज्यादा ज्यादा टेक्नोलॉजी उनके पास होगी, वो हमसे ज्यादा तरक्की कर गए, वो हमसे ज्यादा उनकी जीडीपी ज्यादा है हमसे, उनके तमाम तर उनका जो स्टॉक मार्केट है वो हमसे ज्यादा है, लेकिन क्या हुआ, हम उनसे आगे हैं, हमारे लोग उनसे आगे हैं। अच्छा। और हम बहुत सी चीजों ऐसी हैं जो जिनमें हम उनसे आगे हैं और इंशाल्लाह आगे रहेंगे। और आप देखेंगे कि जो मिशन है हमारे कूमी तराने बनाने में, नगमे गाने में, और उसके अलावा अखबारों में अपनी सुर्खियां लगाने में, वो हम सबसे आगे हैं। लेकिन ये बात आप मानेंगे, इंडिया वाला जब वहाँ स्पेस पर गए ना तो वो परेशान हो गए, जब वो वहाँ उतरे तो पता है क्या लिखा हुआ था? क्या लिखा हुआ था? लिखा हुआ था ये मेजर जनरल गफूर की जो प्रॉपर्टी है, यहाँ पे आप नहीं लैंड कर सकते। और हिंदुस्तान बन गया दुनिया का पहला मुल्क जो साउथ पोल पे लैंड किया, क्या कहेंगे हिंदुस्तान की इस कामयाबी पे? कुछ भी नहीं। क्यों? भाई वो अपने लिए पहुंचा, हमारे लिए तो नहीं पहुंचा ना। उनका कहना है कि हम सिर्फ हिंदुस्तान के लिए, हम पूरी इंसानियत के लिए काम करते हैं। भाई इंसानियत का लफ्ज उनके मुंह से अच्छा नहीं लगता। अरे तुम्हारी खोपड़ी में भेजा है कि भजिया है? क्यों सर इतनी नफरत? वो लोग तो पूरी दुनिया के लिए काम करना चाहते हैं। अच्छा आप पहले ही मुझे ये बताएं कि ये आप इसको नफरत में क्यों लेते हैं? अब देखें मेरा आपसे कोई ताल्लुक नहीं है, मैं आपसे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता, तो मैं आपको कहूँगा आप कुछ भी करें, सो वट, मुझे क्या इससे फर्क पड़ता है? तो मुझे आपके मतलब चांद पे पहुंच जाने से, मतलब कोई ऐसा काम करने से मुझे मेरी जात को, हाँ, या पाकिस्तान को कोई फर्क पड़ता है, तो हम मतलब उसके ऊपर आवाज उठाएंगे। वहाँ पे वो लोग कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर उनको मिलेगी, पता चलेगी, तो वो पूरी दुनिया तक पहुँचाएंगे, पूरी दुनिया को पता चलेगा कि चांद पे क्या है, उस खित्ते में चांद के क्या होता है, वहाँ कैसे सर्वाइवल है। देखें जनरल नॉलेज लेना मतलब ये एक आम चीज हो चुकी हुई है हमारे इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, मतलब बहुत सी ऐसी चीजें हैं। अगर इंडिया पहुँच गया तो पाकिस्तान भी पीछे नहीं है किसी से, इंशाल्लाह। पाकिस्तान ने भी झंडे पे चांद बना दिया हुआ है। पाकिस्तान ने झंडे पे चांद जरूर बनाया है, इंशाल्लाह चांद पे भी झंडा बनाएगा जाके इंशाल्लाह। थोड़ा सा वक्त है, आप थोड़ा सा सर्वाइव करें, थोड़ा सा टाइम निकाल लें, अभी तो 75 साल गुजरे हैं, अगले आने वाले 10 सालों में इंशाल्लाह पाकिस्तान दुनिया का जो पाकिस्तान 75 साल में कुछ नहीं कर सका, 10 साल की उम्मीद कैसे? देखिए 75 सालों में पाकिस्तान कुछ नहीं कर सका तो पाकिस्तान अवाम ने पाकिस्तान को क्या दिया है? पाकिस्तान ने अवाम को क्या दिया? करते हैं कि हम 75 सालों में हमने मुल्क ने हमें क्या दिया, हमने इन 75 सालों में मुल्क को क्या दिया? आज हम किसी दूसरे मुल्क की तारीफ करें किस लिए? हमारे मुल्क ने हमें क्या दिया? आज़ादी दी, जीने का रास्ता दिया। आपको लगता है इस वक्त पाकिस्तान में आज़ादी है? आप बताएं। आज़ादी का मतलब ये होता है कि आप ईरान से 30 रुपए लीटर पेट्रोल खरीद सकते हो। पाकिस्तानियों को पहलते हुए भारत माता की जय के जयकारे लगाते हुए इनको पहलते जाइए, इनको टीका लगा के जाइए। और इतने दिन से मैं छुट्टियों पे क्यों था, उसका रीजन है कि मेरे माताजी हॉस्पिटल में एडमिट थी, काफी सीरियस प्रॉब्लम थी उनको, तो वो इस वजह से मैं अपने यूट्यूब चैनल पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाया, तो पूरा दिन भागम दौड़ देख रेख में निकल जाता था, समय नहीं मिल पाया था इसकी वजह से। और दूसरा मैं मुंबई गया था एक दिन के लिए, और आप लोगों ने जो प्यार दिया, इतने प्यारे प्यारे कमेंट किए, उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। आप लोग अपना ख्याल रखिए, आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम। गाइस कमेंट लिख देना, और भाई सबसे पहले तेरी मम्मी बिल्कुल फिट एंड फाइन हो जाए, जल्दी से हेल्थी रिकवरी हो इनके। और पाकिस्तान मुझे पता है का वो जो था ना, चांद पे ही पहुंचेगा, मैं प्रोसेस बताती हूँ, अभी गटर में है, फिर गड्ढे में आएंगे, गटर से गड्ढा, फिर गड्ढे से धीरे धीरे पृथ्वी पे, है अभी बहुत नीचे है, ठीक है, अभी वो उसी लोग पे नहीं है, अभी पृथ्वी पे। वो क्या करे, हमें क्या फर्क पड़ता है? एक बात बता, आज से पहले जब फोन वोन बने थे तब मान लिया अमेरिका वाले यूज करते होंगे। मैं तो बहुत ही खुश हूँ कि इनके ऊपर पूरी दुनिया ने कुछ काम छोड़ा ही नहीं, कि कोई नहीं उनके भरोसे कि ये कुछ कर लेंगे, नहीं। ये तो वो थे कि पत्थरों से घिस घिस के आग जली, तो ये क्या फायदा है ये सब चीजें बनाने का, ये मतलब रुक जा, सूरज की जब तक रोशनी आ रही है तब तक काम निपटा लो, इलेक्ट्रिसिटी का क्या फायदा है? एक बात बता, अब क्यों रो रहे हैं फिर, हमारे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, पेट्रोल नहीं है, समझ रहे हैं, भगवान ने दो पैर दिए तो है, जाओ चल के पेट्रोल महंगा क्या है, फिर तो कुछ है ही नहीं। ये गजब देश है भैया, ये गजब। मैं तो, मेरे को कई बार लगता है मेरा शब्द खत्म पड़ जाता है, मैं बोलता हूँ ना, बड़ा
अच्छा खासा एज्ड बंदा था जो भी था ये टोपी मास्टर, क्या मुझे मतलब ही नहीं। हमारे यहाँ जो हाउस हेल्प है ना उनका जो बेटा है भैया वो पांचवी छठी में है, उनके दो बेटे, उन तक को पता है चंद्रयान 3 के बारे में पूरा। ट्यूशन का टाइम चेंज कराया बोल के चंद्र की, हमें ना वो बच्चे मून मिशन वर्ड यूज कर रहे हैं, हमें मून मिशन वो लाइव देखना है, चंद्रयान लैंड होगा मम्मी हमें लाइव देखना है, मतलब फिफ्थ सिक्स्थ में है वो बच्चे, फिफ्थ में अब तो सिक्स्थ में आएंगे वो, उनको कोई मतलब बताओ उनका भी जो ये लेवल है ना इस अनपढ़ देहाती से कितना ऊपर है। भाई दो शब्द लिख देना इस भाई के लिए कुछ लिखना चाहो तो, और बाकी मिलते हैं आपसे एक और वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।